हेलो डियर व्यूअर्स, अगर आप एक ऐसे कपल हैं जो ये प्लान कर रहे हैं कि आपको अपने फैमिली को एक्सपांड करना है और आपकी एज 35 इयर्स के आसपास की है, फिर ये वीडियो आपके लिए है। आपको मैं बहुत सारे बहुत पहलुओं के बारे में बताने वाली हूँ जो एक कपल को ध्यान में रखना चाहिए अगर वो इस एज ग्रुप में है और अपनी फैमिली को एक्सपांड करना चाह रहे हैं। मैं हूँ मधु और इस चैनल में मैं प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे बातें करती हूँ। अब अगर आप 30 साल के ऊपर के हैं और 35 के आसपास के हैं, फिर तो एक बात आपको ध्यान में रखना ही चाहिए कि चाहे मेल हो या फीमेल, आपकी फर्टिलिटी एक डिक्लाइनिंग ग्राफ में जाने लगी है। खासकर अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो उनके लिए आफ्टर 35 या फिर अराउंड 35 कंसीव करना कई बार चैलेंजिंग ही नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि बस फर्टिलिटी कम नहीं हो रही है आपकी, आपकी कई मेडिकल कंडीशंस भी हो सकता है इस दौरान आपकी बॉडी में दिख रही हो। कई महिलाओं को डायबिटीज के इश्यूज रहते हैं, कईयों को हाइपरटेंशन रहता है, कुछ महिलाओं को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं जैसे डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह। आजकल के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में इस तरीके की इश्यूज भी कई महिलाओं को सता सकती है। सिर्फ महिलाओं को नहीं, द मेल पार्टनर मे ऑल्सो सफर फ्रॉम सच कंडीशंस। मैं बस ये बता रही हूँ कि ये पूरा जो प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। ये जो बेबी प्लानिंग का पूरा प्रोसेस है, इसमें आपको कई रोड ब्लॉक्स मिल सकते हैं। सो मैं आपको कहूंगी कि अगर आप 35 इयर्स के आसपास के हैं और अपनी फैमिली को एक्सपांड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि आपको प्री कंसेप्शन एक चेकअप करवाना चाहिए, एक काउंसलिंग करवाना चाहिए। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग और एक मेडिकल इवैल्यूएशन एक आपको बेसलाइन दे देगा अपनी फर्दर जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के दौरान जब डॉक्टर्स आपको आपकी पर्सनल हिस्ट्री पूछेंगे, वो आपका मेडिकल फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक हिस्ट्री पूछेंगे, तो इससे आपके डॉक्टर को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कुछ चांसेस हैं, ऐसे रिस्क हैं कि आपके बच्चे को कोई बर्थ डिफेक्ट्स या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह हो सकते हैं या नहीं। जो मेडिकल इवैल्यूएशन होता है वो आपके करंट हेल्थ स्टेटस को अच्छे से परख सकता है। रिप्रोडक्टिव एज वेल एज एंटायर होल बॉडी जो चेकअप होता है उसमें आपके थायराइड प्रोफाइल का पता लगता है, आपके डायबिटिक जो भी स्टेटस है उसका पता चलता है, आपके बीपी वगैरह के इश्यूज का पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई इश्यूज तो नहीं है। और अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज है, जनरल हेल्थ इश्यू हो या रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यू हो, जरूरी है कि उसका आप पहले ट्रीटमेंट करवा ले, आप फिट हो जाए टू कंसीव एंड कैरी अ बेबी। मैं सिर्फ फीमेल्स का नहीं कह रही, मेल पार्टनर को भी इस तरीके का एक इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए ताकि उनकी जो हेल्थ है, जनरल हेल्थ प्लस जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म का काउंट वगैरह, इस बारे में एक अच्छा सा आइडिया आपके डॉक्टर को और आपको लग जाए। उम्र बढ़ने के साथ साथ ओवरवेट या ओबेसिटी भी एक मेजर इश्यू हो सकता है। सो फीमेल्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बिफोर यू कंसीव, प्री प्रेगनेंसी जो आपका स्टार्टिंग वेट है उसको आप अगर एक आइडियल वेट के आसपास लेकर आ सके, दैट वुड बी वेरी नाइस। क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी आपको वेट गेन करना है, अगर आप पहले से ही ओबीज हो और वेट गेन आप और ज़्यादा कर ले, प्रेगनेंसी के दौरान कई कॉम्प्लिकेशंस के होने का रिस्क बढ़ जाता है, चाहे वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो, जेस्टेशनल डायबिटीज हो, प्री इक्लैम्शिया हो, और इन सारे कॉम्प्लिकेशन से आपके और आपके बच्चे के लिए जो भी रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो बेहतर होता है कि स्टार्टिंग में ही आप कुछ डाइट और एक्सरसाइज वगैरह कर ले और फिर अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को एक सही वेट से शुरू करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी के पहले से ही आपको फॉलिक एसिड और कई मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए अगर आप 35 प्लस के आसपास के एज ग्रुप की है, तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे को आगे जाकर न्यूरल डिफेक्ट्स वगैरह होने के जो चांसेस है वो कम रहेंगे। इसके लिए अपने ओबीजी एक्सपर्ट से बात कीजिए, उनके द्वारा रेकमेंडेड आप ये जो भी सप्लीमेंट्स है वो ले सकते हैं। सही रहता है अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग दोनों पार्टनर्स ही ना करें, इससे कंसेप्शन में आसानी रहती है और ओवरऑल आगे जाकर महिला का जो हेल्थ रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बच्चे पे जो बुरा असर होने का चांस रहता है वो भी नहीं रहता। इसके आगे मैं महिला से कहना चाहूँगी कि उनको अपनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ताकि उनको पता चले ओव्यूलेशन कब होता है,
ओव्यूलेशन के बारे में बेहतर जानने के लिए आप मेरे चैनल के डिटेल वीडियो को भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली उस दौरान अगर फिजिकल इंटरकोर्स का जो प्लान आप करते हैं तो इससे कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन केस अगर आपको कंसेप्शन में कोई परेशानी हो तो ज़रूरी है कि आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से बात करें, वो आपको बहुत सारे जांच वगैरह करवाने के बाद एडवाइस दे पाएंगे कि क्या आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है। IUI, IVF ऐसे कई टेक्निक्स आजकल मौजूद हैं जिसके द्वारा कई ऐसे कपल्स जिनको नेचुरली कंसीव करने में परेशानी होती है किसी मेडिकल रीजन की वजह से, वो भी पेरेंट्स बन पाते हैं। सो इस तरीके के सारे उपदेशों के लिए एक एक्सपर्ट से, एक OBG एक्सपर्ट जिन्होंने फर्टिलिटी में एक्सपर्टीज किया हुआ है, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। प्रोवाइडेड आपने कंसीव कर लिया हो, इसके आगे भी अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए हर उस टेस्ट और स्कैन को करवाए जिससे आपके और आपके बच्चे के वेलबींग का पता लग सके। जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है तब आप कंसीव करती हैं, तब इसको माना जाता है एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी अपने आप में, क्योंकि मैटरनल एज अब ज़्यादा हो चुकी होती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप टेस्ट और स्कैन्स करवाएं बार बार। शायद इस तरीके के टेस्ट या स्कैन्स के दौरान आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली ज़रूरी ही होंगे, तभी आपके डॉक्टर ने आपको करवाने को कहा होगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी मेडिसिन को आप बिना डॉक्टर की अनुमति के ना लें। मतलब अगर आप 35 प्लस की हैं या 35 इयर्स के अराउंड की है, हो सकता है आपको डायबिटीज़ है, हो सकता है आपको कोई और हेल्थ इश्यू है जिसका मेडिकेशंस आप लेती आई हैं, लेकिन एक बार आप प्रेग्नेंट हो जाए तो आपके डॉक्टर से उस मेडिकेशन के बारे में भी एक बार बात ज़रूर कर लें। स्ट्रेस फ्री रहे, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का सही रहना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना फिजिकल हेल्थ का, और अपनी प्रेगनेंसी की इस जर्नी को आप एंजॉय करें। वेट गेन भी प्रेगनेंसी के दौरान रिकमेंडेड लेवल्स में ही करें, इस बारे में भी मेरे चैनल में डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इन सारी बातों का ध्यान रखें, और अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो तो बेड रेस्ट में ना रहें। हमेशा एक एक्टिव लाइफस्टाइल सही रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, चाहे वो किसी भी उम्र की माँ हो। जब एक कपल 35 इयर्स के आसपास के होते हैं तो उनके लिए नेचुरली कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है उनको नेचुरल कंसेप्शन में, तो थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। एक अच्छे डॉक्टर की निगरानी में ये सारे जो प्री कंसेप्शन टेस्ट वगैरह करवाना ज़रूरी है, और ओव्यूलेशन का एक अच्छा आइडिया उनको होना चाहिए ताकि वो बेबी प्लान कर सके। तो स्ट्रेस फ्री रहकर, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर बेबी प्लानिंग स्टार्ट करें, और अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से भी जांच पड़ताल जरूर करवाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज के बारे में आपको पता लगता रहे। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।